अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो, उसकी आंख में आंसू आए तो बादल गिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पांव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। जाइए छोड़ के आइए अपनी लाड़ी को उस हाकिम सिंह की चौकी पर। माँ, अगर साथी नहीं आएंगे तो मेरा बच्चा पापा किसको बोलेगा? बेटा, ऐसी बात अपने दिमाग में क्यों ला रही है? कौन कहता है विनय बाबू नहीं आएंगे? वो जरूर आएंगे, सब लोग उन्हें ढूंढ ही रहे हैं ना। और फिर तेरे बाबूजी भी तो जा रहे हैं उन्हें ढूंढने के लिए। बाबूजी आप सच में जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ चलूंगी। बेटा, तुम इस हालत में कहां जाओगी? तुम्हारे बाबूजी जाएंगे और विनय बाबू से मिलकर आएंगे। बाबूजी, इस बार उनको छोड़ के मत आइएगा, वहां वो सही नहीं रहेंगे। उनसे कहिएगा मेरे पास आए, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी और बिल्कुल भी शरारत नहीं करूंगी, उनकी हर बात मानूंगी, खाने के वक्त बातें भी नहीं करूंगी। और उनसे कहिएगा हमारा बच्चा आने वाला है, अगर वो मुझे पूछेगा कि पापा कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी? और बड़े भैया के पास मत लेके जाना, पहले मेरे पास लाना, अगर वो मेरे पास होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने तो बच्चे का नाम भी रखा है कान्हा, नाम अच्छा है ना, लेकिन उनकी सहमति लेनी भी जरूरी है ना बाबूजी? चिंता मत कर, भगवान अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करते, सब ठीक हो जाएगा, उस पे भरोसा रख। पूरा डिग्री पढ़ डालोगे का? मैं देर से पढ़ रहे हो, साइन का ही नहीं करते हो? कागज पढ़ना तो जरूरी है ना भैया। तो पढ़ते रहो सारा जिंदगी। वैसे मैंने पढ़ लिया है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि इसमें आपने पावर ऑफ अथॉरिटी मुझे क्यों बनाया है? आप भी तो बन सकते हैं ना। कितने बिजनेस हम अपने नाम पे लिखवाए? लेकिन भैया, आप ही ने कहा था कि जब आर्किटेक्ट कॉलेज खुलेगा तो उसमें एक ट्रस्ट होगा और वही ट्रस्ट पावर ऑफ अथॉरिटी होगा। हम कॉलेज खोल रहे हैं, कोई धर्मशाला नहीं खोल रहे हैं। बात याद रखना कि ये कॉलेज खुलेगा तो फायदा सबको होगा, तो फिर हम बाहर वाले को काय फायदा लेने दें? लेकिन भैया, इसमें कम से कम केदार चाचा को तो शामिल कीजिए। काय? वो कौन होते हैं? आज उन्होंने ये जमीन भले ही अपने बेटी दामाद के नाम कर दिया है, लेकिन आखिरकार ये जमीन उनकी है। कल को कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है तो बसूंगा तुम्हें ही ना। हमको कानून पढ़ाने का कोशिश मत करो। तुम बिजनेस कोई लाल बात का कौर नहीं है कि तुमने खाया और स्वाद आ गया। बिजनेस में लगना पड़ता है। और एक बात और जान लो अजीत, इस गलत फहमी में मत रहना कि हमें कोई पार्टनर नहीं मिलेगा। एक नहीं, हजारों पार्टनर मिल जाएंगे इस काम के लिए। लेकिन भैया, ये गैर कानूनी है, इसमें कम से कम केदार चाचा को, मुझे, विनय और तुलसी को तो शामिल कीजिए। भैया, ये ट्रस्ट होता तो ठीक, लेकिन इस गैर कानूनी काम का जिम्मा मैं अपने सिर पर नहीं लूंगा। इसका फंदा कभी भी मेरे गले में पड़ सकता है।
फंदा तो अभी भी तुम्हारे गले में है अजीत। उस दिन घर से जो 1.5 लाख रुपया गायब हुआ था, वो दूसरे दिन तुम्हारे कोचिंग सेंटर वाले पार्टनर के घर से मिला। उसके गवाह भी हैं। बोलो। जेल जाओगे या दस्तखत करोगे? करता हूं ना भैया। बहुत समझदार हो तुम, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। बाबूजी चाय। बाबूजी, तुलसी की दवाई और दूध में बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, आप हाकिम सिंह से एक बार पैसों का तगादा क्यों नहीं करते? 15,000 रुपए महीना देने के लिए बोला था, आज तक 15 रुपए भी नहीं दिए हैं। अरे वो लोग कहाँ हैं? बाहर गए हुए हैं। अरे बाबूजी, अगर बाहर गए हैं तो फोन कर लीजिए, फोन तो चल रहा होगा ना। क्या ये बातें फोन पर नहीं होती? बाबूजी कर्जा थोड़ी ना मांग रहे हैं, अपने पैसों की बात करने में क्या बुराई है? बुराई तो कोई नहीं है, पर ऐसे हालात में पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता। अब अपने भाई को ढूंढने गए हुए हैं और फिर ऐसे में मैं उनसे पैसे का तगादा करूं तो अच्छा नहीं लगेगा। बाबूजी आपने ना पहले ही गलती कर दी। अरे अगर अगर आपने जमीन का नकदी बंदोबस्त किया होता तो कम से कम 30-35 हजार तो आते, उनको जमीन देने का कोई फायदा नहीं हुआ बाबूजी। ठीक है, मैं उनके आते ही बात करता हूँ। मैं तो कहती हूँ ये सब बाबूजी से नहीं होगा, जमीन के बारे में आप ही बात कीजिए, और अपनी जमीन के बारे में बात करने में कोई बुराई नहीं। अब तुम लोग मुझे चाय पीने दोगे या मैं अंदर जाऊं? यही तो परेशानी है बाबूजी, सच बोलो तो आपको बुरा लग जाता है। बाबूजी देखिए घर का खर्चा बहुत बढ़ गया है, अगर कुछ पैसे आ जाते तो हमारी भी मदद हो जाती। यही तो मैं भी कह रही हूँ बाबूजी। अरे अगर इस हालात में मैं पैसे मांगूं और रिश्तेदारी खराब हो जाए तो? रिश्तेदारी पैसों से नहीं बनती, दुख सुख में काम आने से बनती है। मुझे पता है कब किससे क्या बात करनी है, ये तुम मुझ पर ही छोड़ दो। ठीक है तो बैठे रहिए हाथ पे हाथ रखकर, जब दवा दारू के लिए पैसे खत्म हो जाएंगे तो लोगों के सामने हाथ फैलाते रहिएगा। बाबूजी मुझे जलेबी खाने का मन कर रहा है, ले आइए ना। हाँ बेटा मैं मंगवाता हूँ अभी। बाबूजी, बाबूजी मुझे चक्कर आ रहे हैं। तुलसी मोरे अंगना, संभालो इसे। सब नॉर्मल, घबराने की कोई जरूरत नहीं। चलिए अब हम आपको छोड़ देते हैं, लाइए आइए। हाँ भाई आ रहा हूँ बस अभी 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाकिम बेटा सुनो। हाँ नहीं माँ बस। अरे बेटा तुझे खाना खाना चाहिए, अगर तू खाना नहीं खाएगी तो बच्चे को ताकत कैसे मिलेगी? शाबाश। पगली गई की।
देखिएगा दुल्हन, आपको ना लड़का होगा। बिने बाबू होते तो कितने खुश होते ना। अरे आप उदास काहे हो गई? अरे वो जल्दी ही आएंगे, आप ना बस खुश रहा कीजिए। ऐसे ही मुस्कुराते हुए। सुनिए ना, मुझे बहुत सारा सामान भी मंगवाना था आपसे। शेखर बेटा, ये कुछ दवा लिखी है डॉक्टर ने तुलसी के लिए, ये बहुत जरूरी है उसके लिए, तो जब बाजार जाओ तो ये लेते आना, भूलना नहीं। ठीक है। बहुत बढ़िया, सारा पैसा झोंक दीजिए उस महारानी की दवाई, फल और दूध में। माँ बहुत दर्द हो रहा है। अम्मा जी बधाई हो, आप नानी बन गई। आप नाना बन गए जी? अरे मामा कहलाएगा तू। देखो कितना प्यारा बच्चा है, बिल्कुल तुलसी में गया है। कितना प्यारा बच्चा है, बधाई हो दीदी, आप तो नानी बन गई। सब भगवान की कृपा है शोभा, जच्चा बच्चा दोनों सही सलामत है। अरे तुम भी तो नानी ही हो? हाँ वो तो है। अरे हमको तो जैसे ही पता चला बस हम भागे भागे चले आए। देखो ना दीदी, बिल्कुल तुलसी पे गया है ये तो। देखिए ना माँ, ये एक ही तरफ देखता है और दूध भी नहीं पीता। अरे का बच्चा दूध नहीं पी रहा है? अरे दीदी ये बात सही नहीं है, और देखिए ना कोनो गड़बड़ तो नहीं है ना, और ये तो एकटक देखे जा रहा है। अरे की आंखें तो ठीक है ना? क्या शोभा, ठीक ही तो है, तुम भी ना कुछ भी बोलती रहती हो। बच्चा है अभी, डॉक्टर साहिबा अभी आने ही वाली है, वो देखे बताएगी कि क्या हुआ है। बच्चे नाजुक होते हैं ना। हाँ वो तो ठीक है दीदी, लेकिन अगर बच्चा दूध ही ना पिए तो? अरे तो लो डॉक्टर आ गए। आप बहुत कमजोर हो गई हैं। थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखिए, दूध फ्रूट सब खाइए पर टाइम से। मैं तो खा लूंगी, लेकिन ये दूध भी नहीं पीता है और एक ही तरफ देखता रहता है। देखो बढ़ती उम्र के साथ ये सब ठीक होता रहेगा। हाँ डॉक्टर जी, बच्चा तो ठीक है ना? देखिए ये डिलीवरी प्री मैच्योर है और 7.5 महीने में बच्चा हुआ है, ऐसे बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स आम बात है। डॉक्टर साहिबा, बच्चे को कुछ होगा तो नहीं ना? आप लोग चिंता मत करिए, ये बच्चा बाकी बच्चों की तरह नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो प्री मैच्योर बच्चों ने नॉर्मल बच्चों की तरह ग्रो किया है और दुनिया में नाम भी कमाया है। आप लोग सब इसका ध्यान रखिए, बाकी चिंता की कोई जरूरत नहीं है, बच्चा दूध भी पिएगा। ये दवा आप आज ही मंगवा लीजिएगा और खाने का समय भी लिख दिया है, और जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। जी बिल्कुल।
माँ मेरा खाना भी बड़ा होके बहुत नाम कमाएगा। हाँ बेटा। और मास्टर जी सुना है कि स्कूल के ऊपर बिल्डिंग बन रही है। हाँ वो स्कूल में भारी मात्रा में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं ना, तो क्लासरूम की कमी हो रही है, तो इसी संदर्भ में मैंने सरकार से चिट्ठी लिख दी और देखिए ग्रांट भी पास हो गया। सही है, फिर तो कुछ कमाई भी हो जाएगी। रघुनाथ जी पैसे कमाने होते ना तो मैं मास्टर नहीं बनता, गांव वालों और बच्चों के दिल में मेरे लिए जो इज्जत है ना वही मेरी सच्ची कमाई है, समझे आप। और ये कमाई पैसे खाने से नहीं मिलती, ज्ञान बांटने से मिलती है, पर ये बात आपके समझ में नहीं आएगी, समझे आप। आप लोग को पता है कुछ हुआ? अरे तुलसी का बच्चा पगला पैदा हुआ है। अरे क्या अनाप शनाप बातें कर रहे हैं आप लोग। अरे हम अपने मन से थोड़ा ही ना कह रहे हैं। अरे डॉक्टरनी ने कहा कि तुलसी का बच्चा पगला पैदा हुआ है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ऐसी बातें करते हुए, आप लोगों के दिमाग में हर वक्त यही बातें चलती रहती हैं क्या। अरे डॉक्टर ने कहा तो सही कहा होगा ना। हाँ डॉक्टरनी ने कहा कि तुलसी का बच्चा सतमासु पैदा हुआ है। सतमासु बच्चा मास्टर जी नॉर्मल थोड़ी ना होता है। हा? फिर तो पूरा ही पागल होगा। 7 महीने में पैदा हुआ है। अरे मास्टर जी आपको क्या लगता है हम झूठ बोल रहे हैं, आप खुद ही जाके मालूम कर लीजिए। अरे जब तुलसी पागल है तो बच्चा भी पागल ही होगा ना। ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग। और चाची जी आप इस तरह क्यों बोलती हैं दुल्हन के बारे में। अरे पागल को पागल नहीं कहेंगे तो ज्ञानी कहेंगे का। हाँ चाची जी दुल्हन भी तो आपकी बेटी की तरह है ना, मेरा उनसे कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन एक बात कह देते हैं गांव की किसी भी बेटी से ना कई गुना ज्यादा अच्छी है हमारी दुल्हन। अरे जा बड़ी आई ज्ञान देने वाली, जा के कपड़े धो तुलसी के और सब्जी बेच। चली हमरी बिटिया से तुलना करने के लिए, कहां हमरी बिटिया कलेक्टर और कहां तुलसी। अरे हमरी बिटिया की पैर की धोवन नहीं है वो। माफ कीजिएगा चाची जी, ना हमने आपकी बेटी को देखा है ना आपकी बेटी के पैर को, लेकिन हम दुल्हन को बड़े करीब से जानते हैं, साक्षात देवी है मास्टर जी। और एक बात कही देते हैं, छोटी मुंह बड़ी बात कह रहे हैं, आज जो जो उनका मजाक उड़ाते हैं ना एक दिन उनका खुद का मजाक बन के रह जाएगा। बड़ी आई देखिए तो, दो कौड़ी की सब्जी बेचने वाली क्या क्या बोल के चली गई, हमरी बिटिया से तुलना कर रही है। अरे तुलसी अगर पूरी जिंदगी भी दे देना तो अभी कलेक्टर नहीं बनने वाली। अरे जाने दो ना, क्यों ऐसे लोगों के मुंह लगते हो, चलो। देखा जी भीख मंगी कहीं की, भीख मांग के खाती और हमरी बिटिया से मुकाबला करती है, कीड़े पड़े उसको। ये लीजिए। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है क्या, डॉक्टर दवाइयों पे दवाइयां लिखते जा रहे हैं। अरे ये सब कागज से नहीं आता, पैसे लगते हैं इसके, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप लोग। जिसकी सेवा हाकिम सिंह के परिवार को करनी चाहिए हमारे माथे लाके डाल दिया है। बहू ये तुम क्या कह रही हो, तुलसी इस घर की बेटी है। हाँ माँ जी मैं भी जानती हूँ कि वो इस घर की बेटी है, लेकिन क्या हुआ आपने उन लोगों को फोन करके बताया ना कि बच्चा हुआ है, क्या जवाब मिला आपको वहाँ से। यही ना कि आधी बात सुन के उन लोगों ने फोन काट दिया। मैं तो कहती हूँ उन लोगों को तुलसी और उस बच्चे से कोई लेना देना ही नहीं। अरे वो लोग अपनी तकलीफ में हैं। हाँ तो बाबूजी हम लोग भी तो तकलीफ में हैं। अगर उन लोगों का बेटा खोया है तो हमारे भी तो घर का दामाद खोया है ना। मुझे तो लगता है दाल में कुछ ना कुछ जरूर काला है। उनको तुलसी और बच्चे से कोई मतलब नहीं है, एक तो हमारी जमीन रख ली, ऊपर से लीज के कागज भी नहीं दे रहे, एक पैसा नहीं दिया आज तक। बाबूजी वो आपकी सिधाई का पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं बस। सही कहती हो कंचन, हमारे बाबूजी से सीधा तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। क्यों बाबूजी? वाह बाबूजी वाह, क्या खेल खेला आपने, हम तो कुछ समझ ही नहीं पाए। क्या खेल खेला मैंने? क्या खेल खेला है? जरा ये कागज देखिए आप खुद ही समझ जाएंगे। ये ऑफिस गया था मैं जमीन के कागज देखने, वहीं से आ रहा हूँ। बाबूजी ने जमीन लीज पर नहीं दी है बल्कि विनय और तुलसी के नाम कर दिए। सच है बाबूजी ये?
पूछने की क्या जरूरत है कंचन, दिखा दीजिए ना बाबूजी, आखिर पेपर तो आपके सामने ही है, अब कब तक बहाने बनाते रहेंगे? क्यों जी, शेखर सही कह रहा है, ऐसी कोई जमीन अपने नाम क्यों करा लेगा? और वैसे भी हाकिम सिंह को क्या जरूरत है जमीन अपने नाम कराने की? माँ, ये रजिस्ट्री के कागज है, मैंने हजार बार बोला कि कागज लेकर आ जाइए, लेकिन नहीं, मुझे क्या पता था कि बाबूजी जानबूझकर बहाने बना रहे हैं। अरे जब लिखी दिया था तो छुपाने की क्या जरूरत थी? हाँ तो ये जमीन ही क्यों, सब कुछ लिख दीजिए ना अपनी बेटी और दामाद के नाम पर। और आप दोनों भी हाकिम सिंह की शरण में चले जाइए। अरे मैंने किसी के नाम जमीन नहीं लिखी है। हाँ तो ये क्या भूत लिखे हैं, आप ही के सिग्नेचर है उसमें। अरे धोखा हुआ है मेरे साथ, ये जमीन मैंने लीज पर ही दी थी, ये मेरे साथ चाल खेली गई है। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने बगैर पढ़े कागज पर दस्तखत कर दिए।